गुड मॉर्निंग। कल हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे ना बाबू। यस सर। कल मैंने आप लोगों को बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम सिल्वर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, देखो ये तो क्या मिलता है, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो सिल्वर जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, नाइट्रिक एसिड किस फॉर्म में होगा बाबू, लिक्विड के फॉर्म में होगा, और ये जो बनेगा AgNO3 ये भी क्या होगा, इसका ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये गैस है तो ये क्या होगा, गैस है तो क्या हुआ, उड़ गया, समझे। आगे ये एक रिएक्शन था, और इसके बाद हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शन को हमने बताया था, पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद बाबू डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, इसमें हम क्या करते थे, इसमें तो पहले वाटर ऐड करते थे यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते थे, ठीक है ना। तो इसका क्या हम तैयार करते थे बाबू, इसमें पहले वाटर ऐड करते थे, क्या ऐड करते थे, वाटर, वाटर ऐड करते थे, तो ये क्या हो जाता था AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाता था। क्या होता था बुआ, एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या करते थे, इस एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या करते थे बाबू, कॉपर को ऐड कर देते थे, क्या करते थे वो बेटा, कॉपर को ऐड कर देते थे। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, उस रिएक्शन कंटेनर में कॉपर का एक रॉड डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि यहाँ से देखो स्पेस कम होने की वजह से हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना, बताए थे ना ये एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट और राइट साइड प्रोडक्ट, तो ऐसा हम कह सकते हैं ना, एरो के टेल साइड में, एरो के टेल की तरफ रिएक्टेंट और हेड की तरफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसको जब हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में हमने कॉपर ऐड कर दिया, तो क्या बन गया बुआ, कॉपर नाइट्रेट बना, और क्या हुआ, जो सिल्वर था वो कहाँ चला गया, प्रेसिपिटेट यानी कि वो रिएक्शन कंटेनर में नीचे बैठ गया, सेटल डाउन हो गया। तो देखो ये कैसा मिला हमको, ये मिल गया एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पर ये किस फॉर्म में चला गया बाबू, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर इसी नाइट्रेट से यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से नाइट्रेट को स्नैच कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के नेगेटिव रेडिकल को विड्रॉ कर लिया ना, तो यहाँ पर हुआ क्या बाबू, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन हमने कुछ इस तरह से किया था कि जब यहाँ पर ये जो सिल्वर नाइट्रेट बना था, इस सिल्वर नाइट्रेट में हम क्या करते हैं बेटा, कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl ऐड कर देते हैं। ये बताओ NaCl किस फॉर्म में डालेंगे, नमक डाल देंगे, नहीं, उसका भी हम लोग एक्वा सॉल्यूशन तैयार करेंगे, फिर उस एक्वा सॉल्यूशन को इसमें, इसके एक्वा सॉल्यूशन में हम डालेंगे, बात समझे। तो देखो इसका यूज हम कैसे करेंगे बेटा, एक्वा सॉल्यूशन, देखो एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में घोल देना है, पानी में रख करके घोल देना है। उसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा कि इसका ये एजी जो दिखाई दे रहा ना बाबू, एजी ये सीएल पर अटैक करेगा और इसको स्नैच कर लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा ना, ये इसके NO3 पर अटैक करेगा और इसको यहां से स्नैच कर लेगा, यानी कि देखो तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन के आएगा बाबू, देखो तो कंपाउंड बनेगा NaNO3 और फिर क्या होगा बाबू, क्या बचेगा, AgCl। अब सुनो
ये कौन सा होगा, ये एक्वस फॉर्म में चला जाएगा और ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। इसको जब गर्म करेंगे क्लोरीन उड़ जाएगा और फिर हमको सिल्वर मिल जाएगा। अब यहाँ से चांदी हमको निकालना है यानी कि सिल्वर को अलग करना है, तो क्या करेंगे, बस इसको डेल्टा हीट यानी कि थोड़ा सा गर्म कर देंगे सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर जो होगा किस फॉर्म में मिलेगा, सिल्वर पाउडर फॉर्म यानी कि सॉलिड फॉर्म, ठीक है। ये किस में होगा बाबू, सॉलिड फॉर्म में, और ये कैसा होगा, ये गैस बन के उड़ जाएगा, समझे। यस सर। तो ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया, ये कौन सा था बाबू, ये वाला सिंगल डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो एरो के डायरेक्शन मत जाना क्योंकि यहाँ से हमने शुरू किया और ऐसे आया, ठीक है ना, इस वजह से आप याद रखना एरो के टेल तरफ क्या होगा रिएक्टेंट और हेड की तरफ क्या होगा प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड। यस सर। और अगला जो रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना था वो क्या पढ़ना था बाबू, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोग और जान लो, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना बाबू, ये वीक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है, वीक एसिड। अगर इस रिएक्शन को करते समय हाथ में पर एसिड गिर जाए, ठीक है ना, तो आपका हाथ जलता नहीं है, बस पीला पीला हो जाता है। ये पीला कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन से रिएक्शन करने के बाद येलो कलर फॉर्म करता है। स्किन है, स्किन में क्या प्रोटीन है, प्रोटीन से रिएक्शन करने के बाद में नाइट्रिक एसिड येलो कलर बना देता है। इस वजह से अगर आपके स्किन पर हाथ पर पड़ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। हम लोग कल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को 5 टाइप का बता दिए थे, क्या 5 टाइप्स बता दिए थे क्या? यस सर। देखो नहीं 5 टाइप नहीं 4 टाइप्स ही होगा। वो क्या क्या, कॉम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग साथ में पढ़ते हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की घटना जो है ना बाबू वो साथ साथ घटती है, इसलिए हम दोनों को कंबाइन करके रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दे दिया होगा, हाँ तो वही ना बोले डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट अलग दे दिया होगा, ठीक। तो देखो अब हम जो पढ़ने वाले हैं यानी कि फोर्थ कैटेगरी जो पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बाबू, अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बुआ, ऑक्सीडेशन। या फिर और किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो भी उसको हम क्या कहेंगे बुआ, ऑक्सीडेशन। और देखो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में इसका उल्टा, अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू, रिडक्शन। या और किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू, रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का उल्टा होता, उल्टा प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है ना। और देखो यह क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस अकर करता है, मतलब साथ साथ होने वाला घटना है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं बाबू, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बुआ, रेडॉक्स रिएक्शन। एक दो एग्जांपल से इसको और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों को अगर हम हीट कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है बाबू, देखो तो Cu और प्लस H2O। यहां आप देखो कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का कॉपर से रिमूवल हुआ ना, तो देखो कॉपर का क्या हुआ, यहां कॉपर रिड्यूस हो गया, कॉपर रिड्यूस हुआ तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। और देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन यानी कि एडिशन हुआ है तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। और देखो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हुआ है ना इस रिएक्शन में, तो क्या यह रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा,
ये क्या रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा बाबू? यस और नो? यस सर, नो सर? यस सर। वेरी गुड। चलो ये एग्जांपल नंबर वन था। हाँ बोलो। देखो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, CuO था, कॉपर ऑक्साइड था। देखो कॉपर के साथ क्या होता है ना, कॉपर वेरिएबल वैलेंसी भी शो करता है, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, ठीक है ना। तो क्यूप्रस रहेगा तो क्या होगा, वैलेंसी 1, और क्यूप्रिक रहेगा तो वैलेंसी 2। अगर इसको उस तरह से देखें तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, हम लोग इन जनरल कॉपर ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो कॉपर के साथ क्या हुआ बाबू, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, है ना। तो और जब हमने हाइड्रोजन के साथ इसको गर्म किया, यहाँ पर डेल्टा एच लिखो या हीट लिखो या फिर यहाँ पर प्लस हीट लिखो, ये अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा, ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हीट को हमने क्या बताया था, हीट अगर यहाँ लिखें तो एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, समझे ना। तो देखो कॉपर ऑक्साइड के साथ ये कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराएं तो ऑक्सीजन क्या कॉपर को छोड़ करके अलग हो गया, वह हाइड्रोजन के साथ मिल करके वाटर बना दिया ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन का कॉपर से रिमूवल हुआ है तो क्या इसका रिडक्शन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड से रिड्यूस होकर के कॉपर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर लिया, यानी कि यह ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ एडिशन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ बाबू, ऑक्सीडेशन। और देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हुआ है इसलिए क्या कहलाया, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो बाबू, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा देते हैं तो क्या बनेगा बाबू, देखो तो HCl। यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन हमने किससे कराया बाबू, क्लोरीन से, तो यहाँ पर क्या बना, सल्फर, और क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए तो यहाँ सल्फर के साथ क्या हुआ है, यहाँ पर देखो सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ यानी कि क्या ऑक्सीडेशन कहलाएगा, कहलाएगा ना बउआ। और देखो और यहाँ पर देखो सल्फर के ये क्लोरीन के साथ क्या हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो क्या यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया है, तो क्या इसका रिडक्शन हुआ है। और दोनों मिला करके क्या रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसके इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में क्रोजन, क्रोजन ऑफ मेटल्स। क्रोजन क्या होता है एक्चुअली, आपने देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल देखो, अगर आप आयरन को खुले हवा में छोड़ दो तो उस पर जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को यानी कि मेटल के सरफेस पर, किसी मेटल के सरफेस पर एक लेयर का जम जाना, ऑक्सीजन के साथ उस मेटल का रिएक्शन करने के बाद में उस मेटल के सरफेस पर एक लेयर का जम जाना और उस लेयर का समय के साथ साथ झड़ना यानी कि डीके करना, जिससे कि क्या होगा, उस वो मेटल धीरे धीरे डीके कर जाएगा, वो पतला हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटल का ईटन अप हो जाना यानी कि झड़ जाना, खत्म हो जाना, बात समझे ना। तो इस ये जो क्रोजन होता है ना, क्रोजन वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि उस मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन के साथ और वो क्रोजन उस मेटल का क्रोजन हुआ। दूसरा आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है अगर खाना हमने बना लिया और उसको ज़्यादा देर तक हमने रख दिया तो उससे एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा खाना खराब हो जाता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो देखो इस रेंसिडिटी को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि रेंसिडिटी की समस्या हमारे खाद्य पदार्थ यानी कि फूड आइटम के साथ ना हो, खास करके उन फूड आइटम के साथ जो कि हम बाहर से मंगाते हैं, जो पैक होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने चिप्स देखा, चिप्स कुरकुरे ये सब का पैकेट देखा होगा कि वो उसमें एयर भरा हुआ होता है, तो एक्चुअली वो गैस रहता, वो जो गैस उसमें यूज किया जाता है ना, वो नाइट्रोजन गैस होता है,
ऑक्सीजन का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करते हैं। अगर हमने वहाँ ऑक्सीजन डाल दिया तो आप उसको नहीं खा पाओगे, वो स्मेल करने लगेगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा आज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ साथ हमने उसके इफेक्ट को देखा। आप लोग अपने अपने बुक से इसको रीडिंग करोगे और यहाँ पर आपका पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, yes, sir. अगले क्लास में जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो हम फिजिक्स का अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो फिजिक्स के साथ साथ अब बायो का क्लास चलेगा। ओके, बायो का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, कौन सा, लाइफ प्रोसेस। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। ओके।